हेलो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल और इसमें मैं आपके लिए जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की जो पंजाब में वैकेंसी निकली है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी ज़्यादा समय मैं आपका नहीं गवाऊंगी क्योंकि मैं पहले वीडियोस जो मैंने डाली हैं पंजाब स्टेट टीचर्स के लिए तो बाकी जो है मोस्टली चीज़ें जो है बिल्कुल सेम है जो तो मैं जल्दी जल्दी ही बताऊँगी कि आपको क्या क्या इसमें है इसमें आपकी जो है टोटल टू फिफ्टी वैकेंसीज जो है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की यहाँ पर निकली हैं और आप इसकी आ, तीस जनवरी तक ही आप आवेदन कर सकते हो तो इसमें वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कि वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है और बाकी सब के लिए कितनी है और रिजर्व्ड कैटेगरीज़ बाकी जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए हैंडीकैप्ड के लिए एस सी एस टी एक्स सर्विस मैन फ्रीडम फाइटर और ई के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी हैं इन टोटल जो है 250 जो है वो आपकी वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपने ग्रेजुएशन पास किया हो 55 परसेंट मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और फाइन आर्ट्स जो है आपका सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन uh, के तीनों वर्षों में अलोंग विद बी तो ये जो है इसकी uh, जो है मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है और पी टू तो आपने पंजाब स्टेट टेट भी क्वालिफाई किया हुआ उसके नंबर जो है वो मेरिट विच नहीं जोड़े जाएंगे तो मतलब कि देखिए आपने क्वालिफाई किया हो लेकिन उसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होंगे आप जो इसमें स्कोर करेंगे इसके एग्ज़ाम में वही मार्क्स जो है आपके होंगे ऐड और देखिए इसका भी स्टार्टिंग पे जो है बिना अलाउंसेस के वो भी कितना है उनतीस हजार दो सौ रुपये तो काफ़ी अच्छा है पे स्केल आयु सीमा की बात करें तो 18 से 37 वर्ष जो है वो अनरिज़र्वड कैटेगरीज़ के लिए बाकी रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए आप देख सकते हो किसी के लिए 45, 42 जो है इसमें मैक्सिमम एज मांगी गई है फी जो है वो क्राइटेरिया सेम है जो लेक्चरर और मास्टर के लिए है 1000 थाउजेंड फोर अनरिजर्वड फाइव फॉर फोर एस एंड फॉर एक्स सर्विस नेल फी कोई फी कोई चार्जेज आपके यहाँ पर नहीं लगेंगे और बाकी आम शर्तें जो हैं वो सेम है तो कुछ भी इसमें ऐसा अलग नहीं है जो मैं आपको बताने की ज़रूरत है सिर्फ आपको वही करना है कि आपको जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं पहले उसकी जांच लें कि वैकेंसीज कितनी हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी करें और इसमें भी देखिए आपको जरूर नोट क्या दिया है कि जो भी उम्मीदवार हैं जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी योग्यता जो है वो योग्यता सर्टिफिकेट अप्लाई करने से करने से पहले जो है वो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें कि आप इनकी सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो आप फुलफ़िल करते हैं और फिर जो है आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लास्ट डेट जो है वो तीस जनवरी है और पाँच बजे तक शाम पाँच बजे तक आप जो है अप्लाई कर सकते हो थैंक यू